Dear students of 10th class, today we will discuss one of the important term according to your examination viewpoint. आज के इस लेक्चर में हम पाइथागोरस थ्योरम डिस्कस करने वाले हैं और इसका प्रूफ हम बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी देंगे आज के इस लेक्चर में. इससे पहले कि हम इस वीडियो को शेयर कर लेना और सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली हर नेक्स्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए और शेयर करने से दूसरे बच्चे भी इन वीडियो से फायदा हासिल कर. Now we will discuss in this lecture important term that is Pythagoras theorem. इसका simple proof हम आज discuss करने वाले हैं by using trigonometric identity. Sorry, trigonometric identities as well as trigonometric ratios. डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं वी हैव ए राइट एंगल ट्रायंगल. अगर हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा तब जाके हमारे पास हाइपोटेन्यूज भी होगा. इस राइट एंगल के अपोजिट जो साइड है दैट इज हाइपोटेन्यूज एंड वन ऑफ द अदर टू साइड्स वी टेकन एज बेस एंड आल्टीट्यूड डिपेंड्स अपॉन कौन सा एंगल हम लेंगे. टेकन हियर एज एंगल ए तब जाके ये हमारे पास बेस होगा और ये आल्टीट्यूड होगा. टेकिंग हाइपोटेन्यूज एज सिस हाइपोटेन्यूज की लेंथ जो है लेट अस टेक दैट बी से एक्स एंड बेस की लेंथ हम मान ले वाई एंड आल्टीट्यूड की लेंथ हम मान ले जेड एंड वी नो बाय ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वी हैव हियर साइन ऑफ ए एंगल हमने चूज किया है साइन ए दैट इज इक्वल टू अपोजिट साइड ऑफ द एंगल डिवाइड हाइपोटेन्यूज दैट इज जेड बाय एक्स. अपोजिट साइड डिवाइड हाइपोटेन्यूज. इसी तरह कॉस ऑफ ए इसी एंगल के लिए That is adjacent side divide hypotenuse that is y by x. ये आप जानते ही हैं. अगर हम यहां पे एंगल c लेते तब जाके हमारे पास साइन ऑफ c that is equal to opposite side that is y by x मिलेगा. इसी तरह cos ऑफ c that is adjacent side over hypotenuse उस वक्त हमारे पास कॉस ऑफ सी जेड बाय एक्स. देयर स्टूडेंट्स ऑफ एक वेल नोन आइडेंटिटी भी जानते हैं दैट इज साइन स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर थीटा दैट इज थीटा इज हियर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इट इज ऑलवेज इक्वल टू वन. वेल नोन आइडेंटिटी है इन्हीं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड दिस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को यूज करके हम इस पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ देंगे. सिंपलेस्ट प्रूफ ऑफ थ्योरम गिवन हमारे पास डियर स्टूडेंट्स एंड स्टेटमेंट को देख लीजिए डियर स्टूडेंट्स. इन ए राइट ट्राइंगल हमारे पास एक राइट ट्राइंगल है वो हमने यहां पे ले लिया ए बी सी be the given right triangle. The square of the hypotenuse is equal to sum of squares of other two sides. We have to show here square of hypotenuse that is square of AC that is square of X it is equal to sum of squares of other two sides that is it is equal to AC square equal to AB square plus BC square. ये हमें शो करना है AC square it is equal to AB square plus BC square. यहां हमें यह शो करना है X square it is equal to Y square plus Z square. ये हमें शो करना है. Dear students, given हमारे पास है
ए बी सी बी ए गिवन राइट एंगल ट्रायंगल, ये हमारे पास गिवन है। टू प्रूव, प्रूव क्या करना है हमें, क्लियरली वी हैव टेकन हियर राइट एंगल ट्रायंगल, वी हैव टू शो हियर ए सी स्क्वायर इट इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, और हमें एक्स स्क्वायर इट इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। प्रूव, सिंपल प्रूफ ऑफ दिस थ्योरम, इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी क्लियरली साइन ऑफ ए दैट इज इक्वल टू जेड बाय एक्स एज वी सी है, कॉस ऑफ ए इट इज इक्वल टू वाई बाय एक्स, वी नो दैट हमारे पास है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इट इज इक्वल टू वन, वी राइट दिस एज साइन ऑफ ए होल स्क्वायर प्लस कॉस ऑफ ए होल स्क्वायर इट इज इक्वल टू वन, दिस कैन बी रिटन इन दिस फॉर्म। नाउ यूज साइन ऑफ ए रेशियो यूज कर लेंगे हम, दैट इज जेड बाय एक्स, दैट इज जेड बाय एक्स होल स्क्वायर प्लस कॉस ऑफ ए, कॉस ऑफ ए इज हियर वाई बाय एक्स होल स्क्वायर इट इज इक्वल टू वन, ये हमारे पास आ गए। इट इज ए बाय बी होल स्क्वायर दैट इज जेड बाय एक्स होल स्क्वायर, इट इज जेड स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर दैट इज जेड स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस यहां पे वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर इट इज इक्वल टू वन, एज ए बाय बी होल स्क्वायर इट इज ऑलवेज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बाय बी स्क्वायर, ये आप जानते हैं। वी हैव हियर दिस एलसीएम, इन डिनोमिनेटर वी हैव सेम एक्स स्क्वायर दैट इज जेड स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड एक्स स्क्वायर, एज एक्स स्क्वायर इज कॉमन इन डिनोमिनेटर, यहां पे भी एक्स स्क्वायर है यहां पे भी एक्स स्क्वायर है इट इज इक्वल टू नाउ वन, एक्स स्क्वायर गोज हियर और जेड स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ये एक्स स्क्वायर यहां पे दैट इज एक्स स्क्वायर, वेरीफाइड थ्योरम, दिस इज क्लियरली जो हमें प्रूव करना था एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। डियर स्टूडेंट यहां पे अब मसला है जो आपके जहन में आया होगा, जेड स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड एक्स स्क्वायर, एक्स का वैल्यू अगर जीरो होगा इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज एक्स इज वन ऑफ द साइड ऑफ ए ट्रायंगल, जब हमारे पास ट्रायंगल होगा उस ट्रायंगल का की लेंथ किसी भी साइड की जीरो नहीं हो सकती है, इफ वी हैव ए ट्रायंगल द लेंथ ऑफ ए साइड ऑफ ए गिवन ट्रायंगल चाहे राइट ट्रायंगल हो या अदर देन राइट ट्रायंगल, लेंथ कभी भी जीरो के बराबर नहीं होगी, इसलिए यहां पे कोई मसला नहीं है। जेड स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड एक्स स्क्वायर इट इज इक्वल टू वन, एक्स स्क्वायर यहां जाएगा वी गेट हियर जेड स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर, दिस प्रूव्स द थ्योरम That is Pythagoras, it is one of the important theorem from your textbook and it is almost asked in every examination. Thank you, have a nice day, dear students.